जय भारत दोस्तों। वर्तमान एग्ज़ाम में बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए, मांग को देखते हुए, हम मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं की चर्चा संक्षिप्त समय में करेंगे। कौन सी गुफा कहां पर है उसकी बात हम करेंगे। यहां देखेंगे हम कि बिलोबा की गुफाएं, मध्य प्रदेश में बिलोबा की गुफाएं ग्वालियर में हैं और 11वीं 12वीं शताब्दी में इनका निर्माण कराया गया। बिलोबा की गुफाएं बहुत चर्चित नहीं हैं, फिर भी अगर हम गहरे जाएंगे तो हमें बिलोबा की गुफाएं मिलेंगी ग्वालियर में। उदयगिरी की गुफाएं जो बहुत फेमस हैं ग्वालियर, सॉरी आपके विदिशा में हैं, उदयगिरी की गुफाएं ये बहुत चर्चित हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ उदयगिरी की गुफाओं में विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा है, जिनसे प्रश्न हमेशा आता है। और यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं, जिनमें से पहली और 20वीं गुफा जैन धर्म से संबंधित है। और गुफा नंबर 5 में विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा मिलती है, विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा मिलती है यहाँ उदयगिरी की गुफाओं में। फिर हम आते हैं मारा की गुफाएं, जिन्हें कभी कभी माड़ा की गुफाएं भी बोलते हैं, ये मिलती हैं सीधी में। और ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं, भगवान बुद्ध के काल में, कहते हैं उस समय में, महाजनपद काल में इन गुफाओं का निर्माण सीधी में किया गया। फिर आते हैं हम रायसेन में, मध्य प्रदेश का एक जिला जो अपनी गुफाओं के लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची में स्थान पाया है, और वो जिला है रायसेन। वहाँ पर अब्दुल्लागंज में भीम बेटिका की गुफाएं मिलेंगी, जहाँ भीम एक समय आकर बैठते थे अज्ञातवास के दौरान। और इस भीम बेटिका गुफा की खोज विक्रम विश्वविद्यालय के वाकड़कर के द्वारा की गई। इसके खोजकर्ता थे वाकड़कर, और 2003 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। मध्य पाषाण काल के ये भित्ति चित्र, हजारों साल पुराने भित्ति चित्र, जिनके रंग और कलर आज भी जैसे के तैसे बने हुए हैं। इसके अलावा मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी रायसेन में ही मिलती हैं। रायसेन में, कहते हैं, आपके भीम बेटिका की गुफाएं और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में मिलती हैं। फिर आते हैं उज्जैन में, जहाँ राजा भर्तृहरि की गुफाएं, राजा भर्तृहरि की गुफाएं उज्जैन में मिलती हैं। वैसे राजा महाराजा महाकाल कहलाते हैं, लेकिन उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं मिलती हैं। फिर आते हैं हम, कहते हैं, खंडवा में, जहां शंकराचार्य की गुफाएं मिलती हैं। उज्जैन में राजा भर्तृहरि की गुफाएं, आपके खंडवा में शंकराचार्य की गुफाएं, और धार में बाघ की गुफाएं मिलती हैं। धार में बाघ की गुफाएं मिलती हैं, जिनकी तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है। परमार शासकों के द्वारा बनवाई गई धार की गुफाएं, जिनकी संख्या कुल 9 है, जिनमें से 5 गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं, और ये भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध की यहाँ पर आपकी, कहते हैं, चित्र मिलते हैं, भित्ति चित्र मिलते हैं। और कहते हैं, वैसे भी अगर एक फार्मूला लगाएंगे तो कहते हैं कि बाघ में होती हैं धारियाँ, बाघ में होती हैं धारियाँ, तो बाघ की गुफा धार में। और बाघ होता है डेंजर, तो डेंजर फील्ड ने खोज की थी किसकी, बाघ की गुफाओं की। तो एक फार्मूला है, बाघ में होती हैं धारियाँ तो बाघ की गुफा धार में, और बाघ होता है डेंजर तो बाघ की गुफाओं के खोजकर्ता डेंजर फील्ड। और इनकी तुलना अजंता की फेमस गुफाओं से की जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित होशंगाबाद, जहाँ पर पांडव की गुफाएं मिलेंगी और आदमगढ़ की गुफाएं मिलेंगी, जहाँ प्राचीन काल के आदि मानव के अवशेष मिलते हैं, जीवन के अवशेष मिलते हैं आदमगढ़ की गुफाओं में, और पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में मिलेंगी। ध्यान रखना, पांडव जलप्रपात मिलेगा पन्ना में, लेकिन पांडव की गुफाएं मिलेंगी होशंगाबाद में। तो ये हैं मध्य प्रदेश की गुफाओं का एक संक्षिप्त परिचय। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण टॉपिकों के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।